दोस्तों, दुनिया में किसी भी औरत का माँ बनना किसी मोजे से कम नहीं। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे जिसमें एक तवील मुद्दत के बाद अल्लाह ताला कुछ जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। लेकिन दुनिया में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत जल्द इस नेमत से नवाज दिया। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल एंड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फीमेल हु गॉट प्रेग्नेंट। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लीना मेडिना दुनिया की 9 उम्र माओ में से सबसे अव्वल नंबर पर है। लीना मेडिना के बारे में जानने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, लीना मेडिना तकरीबन आज से एक दहाई पहले 23 सितंबर 1933 को एंडस के एक छोटे से गांव पीरू में पैदा हुई। लीना मेडिना की मां का नाम विक्टोरिया लूसिया था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, लीना मेडिना जब सिर्फ 5 साल और 6 माह की थी, उसके माँ बाप ने उसके गैर मामूली तौर पर भरते हुए पेट को देखकर सोचा कि ये किसी बीमारी या किसी ट्यूमर की वजह से है और उसको डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया गया, जिस पर डॉक्टर गिराडो लोजाडा ने लीना मेडिना को 7 माह की हामला करार दिया। दोस्तों, शुरुआती अरसे में तो लीना मेडिना के माँ बाप ने डॉक्टर गिराडो लोजाडा को बेवकूफ समझा, क्योंकि लीना मेडिना उस वक्त सिर्फ 5 साल और 7 माह की थी। उसके बाद लीना मेडिना को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया और मेडिकल वेरिफिकेशन और टेस्ट की बिना पर लीना को वाकई प्रेग्नेंट करार दिया गया। लीना मेडिना की माँ विक्टोरिया लूसिया का कहना ये था कि लीना मेडिना जब सिर्फ 3 साल प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो चुका था, यानी कि वो बालिग हो चुकी थी। मेडिना के बाप ट्यूब्रेलो मेडिना को आज़ाद कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। सिर्फ शक की बिना पर उसको सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा शक लीना का कजन था, जो कि दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन फिर से किसी सबूत के ना होने की बिना पर उसको सजा नहीं दी जा सकती थी और उसको भी आज़ाद कर दिया गया। दोस्तों, 1955 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग लुइस लियन का ये कहना है कि पीरू में कुछ ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें 9 उम्र बच्चों और बच्चियों के साथ ग्रुप सेक्स और रेप जैसी वारदात होती रहती है, जैसे कि लीना के साथ। चूंकि लीना मेडिना सिर्फ 5 साल और 7 माह की थी, अपना पेल्विस साइज नॉर्मल ना होने की वजह से उसको सिजेरियन तौर पर एक बच्चे को पैदा करना पड़ा। दोस्तों, ये किसी मौजे से कम न था कि लीना मेडिना ने 5 साल और 7 माह की उम्र में 14 मई 1939 को एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, जिसका वजन 2.7 किलोग्राम था और इत्तफाकन मदर्स डे वाले दिन इस बच्चे की पैदाइश हुई। लीना मेडिना के डॉक्टर गिराडो लोजाडा के कहने पर बच्चे का नाम गिराडो मेडिना रखा गया। लीना मेडिना इस वक्त 87 साल की है, जो कि अपने बेटे गिराडो मेडिना के साथ पीरू में रह। बात करते हैं इजामती मंगियामा के बारे में, जिसने 74 साल की उम्र में 5 सितंबर 2019 को 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा उम्र की मां बन गई। इरामती मंगियामा के बारे में जानने के लिए काइंडली इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इरामती मंगियामा 1 सितंबर 1946 को हैदराबाद में पैदा हुई। इरामती मंगियामा ने 1962 में राजा राम राव से शादी की और अगले 60 साल तक यानी कि 6 दहाई तक इंतजार करते रहे माँ बाप बनने के लिए, क्योंकि दोस्तों इरामती मंगियामा कुदरती तौर पर माँ नहीं बन सकती थी। तो उस जोड़े ने फैसला किया कि वो IVF के जरिए इस बच्चे को पैदा करेंगे। आपको बताते चलें कि इरामती मंगियामा और उसके हस्बैंड राजा राम राव ने IVF ट्रीटमेंट के जरिए इस बच्चे को पैदा करना था, जिसकी वजह से इरामती मंगियामा को 9 माह तक ICU में रखा गया, जहां पर उनकी देखभाल के लिए गायनाकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थे। आप में से बहुत से लोग IVF ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते। IVF ट्रीटमेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक एग को स्पर्म के साथ किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, जिसको ओवुलेटरी प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें किसी और इंसान की ओवरी से एग सेल को निकाला जाता है और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। बाद उसको एम्ब्रियो कल्चर में 2 से 6 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद दोबारा से उसी इंसान में या तो किसी और इंसान के यूट्रस में रख दिया जाता है और अगले 9 माह तक
वो अमल उसी के यूट्रस में होता है। डिलीवरी के अगले ही दिन राजाराम राव को खुशी के सबब हार्ट अटैक हो गया। लेकिन अब यरामती मंगियामा और राजाराम राव अपनी दो जुड़वा बच्चियों के साथ इंडिया के एक गांव हैदराबाद में खुशी खुशी रह रहे हैं। और अगर